अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका और एक नए व्लॉग में। तो अभी फ़िलहाल मैं फार्म पे आया हूँ और अपने चिक्स ब्रूडर रूम में हूँ। टर्की के बच्चे हमारे चले गए, बटेर के बच्चे हमारे चले गए और इधर भी टर्की के बच्चे के अलावा हमारे पास आ गए फैंसी के बच्चे। कोलंबियन ब्रह्मा है, रेड मिली फ्लावर है और जैपनीज बैंटम है, मोल्टेड और ब्रह्मा वगैरह है। और इसमें भी रेड मिली फ्लावर है, गिनी फॉल के है, ऑर्डर पे है, इंशाल्लाह ये भी एक दो दिन में चले जाएंगे। फिर इसके बाद हमारे ये कस्टमर के मतलब बुक करे हुए ब्रह्मा है, ब्रह्मा आप हमारे से प्री बुकिंग करा सकते हैं। ये साइज़ का होता है तो हम लोग डिलीवरी कर देते हैं ब्रह्मा की 10 से 15 दिन वाले बच्चे। अभी ये आजकल में चले जाएंगे माशाल्लाह। फिर उसके बाद में हमारे आज भी जस्ट लाए हूँ मैं मॉस्कोवी डक के बच्चे, दो तीन दिन इधर रह गए, फिर उसके बाद शिफ्ट हो गए दूसरे वाले शहर में। और माशाल्लाह इसमें 10-15 दिन के ब्रह्मा, कोलंबियन ब्रह्मा के बच्चे हैं सब, और एक दो जापानीज है और टर्की वगैरह के हैं। तो अभी फ़िलहाल आया हूँ फार्म पे, इन लोगों को फीडिंग वगैरह कराता हूँ मैं, और हमारे सब डक्स वगैरह छोड़ दिया हूँ। और कुछ कुछ बच्चे हैं ना मुर्गी के, मैंने बटेर के इसमें छोड़ा, आप देख सकते हो लाइक उधर घूम रहे हैं। और बटेर देखो कैसा आराम फरमा रहे, गर्मी बहुत है ना इसीलिए फुल आराम से बैठे हुए। मेरी रानी ये लोग बैठी है और आधे बच्चे ये है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसकी सेलिंग की वीडियो आएगी नए चैनल पे, अपना स्काई पोल्ट्री के चैनल पे। तो इंशाल्लाह सब्सक्राइब करके रखो हमारे दोनों चैनल को। तो ये सेलिंग के लिए है अभी फ़िलहाल बच्चे सब, और ये तो सोल्ड आउट हो चुके हैं गाइस। और ये क्रस्टेड वाला है, ब्रीडिंग पैर की लाया था आपको इससे पहले वाली वीडियो में मालूम ही पड़ा रहेगा। ये हमारा गिनी फॉल है। तो गाइस चलिए अभी मैं फिलहाल फटाफट चलता हूँ ये वाले शहर में, देखता हूँ क्या अंडे वगैरह मिले हैं और कलेक्ट वलेक्ट करके फटाफट फीडिंग करके आज मेरे को जाना है, क्योंकि आज मेरा स्टॉक आने वाला है सिल्की वगैरह पॉलिश शेप का। तो वो भी उसकी वीडियो सेलिंग की इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी मैं मेरे एसकेआई पोल्ट्री फार्म में नेचरी वाले चैनल पे डालूंगा। तो आपको क्या करना है, चैनल पे बने रहना है और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना है और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दें कि जो भी अपडेट आता रहेगा वो आपको तुरंत मिलती रहेगी। तो चलिए मैं ये वाले शेड का डाला खोल के वाले शेड में जाता हूँ गाइस। तो गाइस चलिए चेक करते हैं फटाफट से कि हमको अंडे कौन कौन से मिलते हैं। मेरे को तो लग रहा नहीं है आज अंडे है, एक्चुअली अंडे की अभी क्वांटिटी बहुत कम हो गई है। ये देखिए मट्टी में आराम फरमा रहा था, मैंने उठा दिया इसको, फीडिंग इसकी लगी ख़त्म हो चुकी है। अंडा अंडा आज गाइस मेरे को लगेगा मॉर्निंग एक अंडा मिला, अभी गिनी फॉल का मिला गाइस। कोलंबियन ब्रह्मा में तो अंडे नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट सब मुर्गियां इसमें कुड़ूक बैठी, खाली एक छोड़ के वो अंडे भी दे रही नहीं है अभी फिलहाल। तो कल भी बहुत कम आया रेशो, अभी तो सुबह मिला ही नहीं, तो मिली फ्लावर में भी कोई अंडा दिया नहीं है, ये उधर साइड में भी कोई भी नहीं दिया है। और इधर एक अंडा है सुसेक्स केस में, फाइट करने आ रहा है, अंडा उठाया तो इसको भी हम इधर रख देते हैं। हमारा गिनी फाउल और वहाँ पर मैंने छोड़ा बच्चे, तो गिनी फॉल के फिलहाल अंडे, सॉरी गिनी फॉल बोल रहा हूँ, ये हमारा बटेर और यहाँ हम छोड़ चुके अपने चिक्स को। यहाँ रहेंगे तो फटाफट बड़े हो जाएंगे। तो इन लोग का भी पानी वगैरह खाली हो गया है, तो चलिए इन लोग को पूरे को पानी वगैरह फिलअप करते हैं। तो गाइस
हर एक बच्चे लोग का खाना पानी हो चुका है, लोग भी खाना डाल चुका, ऑलमोस्ट ख़त्म भी करने को आ गया है। और पानी केज में पानी का एक दिक्कत आता है कि केज में वो पानी डेली के बेसिस पे 3 बार चेंज करना पड़ता है, सुबह में, दोपहर में, शाम में और रात में भी चेंज करना पड़ता है। केयरटेकर को बोल दी कि अगर कम पानी है तो फिलअप कर देना, नहीं तो फिर बच्चे लोग पैसे रह जाएंगे। तो फिलहाल सबको पानी खाना कर दिया हूँ। और पानी में गाइस इन लोगों को मैंने फिलहाल डाला हूँ अपना, चलिए आपको बताता हूँ। पानी में मैंने उन लोगों को डाला हूँ हीरबर्ग कंपनी का ग्रोबीप्लेक्स, ठीक है, और ये वाला कैल्शियम रॉयल कैल का, ये दो मैंने मिक्स करके इसमें डाला हूँ। इसमें कैल्शियम भी है, मल्टीविटामिन भी, दोनों मिक्स है। और वो तो ऑलरेडी मल्टीविटामिन जैसा ही ग्रोबीप्लेक्स बी कॉम्प्लेक्स है, तो लाइक समझ सकते हो। और जो मेरे पेरेंट लोग को है, टेम्परेचर एकदम हाई जा रहा है, उनको डायरिया या डिहाइड्रेशन ना हो, उसके लिए उन लोग को मैं दे रहा हूँ विटामिन सी, हर्बल प्रोडक्ट है ये विटामिन सी। और उसके साथ में मिक्स करके दे रहा हूँ कूल करके प्रोडक्ट आता है, जो इनके बॉडी में ग्लूकोज पैदा करता है। तो इससे क्या होता है, जो जानवर में देखो गर्मी में आप जानवर लोग की हालत देखने का, और अभी देखो इसी लाइक आपको इसमें दिखाता हूँ इन लोग की हेल्थ देखो कैसी है गर्मी के टाइम पे, एकदम मुरझाए बर्ड्स है पूरे, मतलब एक वो हो रहे गए। बट ब्रह्मा में आप देखोगे और ये लोग में देखोगे एकदम एक्टिवनेस है। तो ये चीज़ से ये होता है, इनको भी ये चालू है, एक्चुअली इनको ब्रूटन चालू था क्योंकि इनकी फीडिंग क्वांटिटी कम हो रही थी, बट गर्मी में ब्रूटन आपको मालूम है थोड़ा अलग इफेक्ट करता है, उसकी वजह से थोड़ा लोग मुरझा गए ले। बट अल्हम्दुलिल्लाह 2-4 दिन मिलेगा ग्लूकोज बॉडी में तो ठीक हो जाएगी। तो अभी मैंने फिलहाल सबको इधर दे चुका हूँ, खाली ये दो बच्चे हैं, एक फिलअप करो अभी ये वॉशिंग करके, फिर ये भी इन लोग को डाल दूंगा। बाकी सबको मैंने यही दिया हूँ, यहाँ तक कि बटेर लोग को भी मैंने यही दिया हूँ पानी। इसलिए कहता है एनर्जी बूस्ट करता है, ग्लूकोज देता है, और विटामिन सी तो आपको मालूम है बहुत काम आती है विटामिन सी गर्मी के टाइम पे, जो लोगों को चक्कर वगैरह आती है तो वो एकदम क्लियर हो जाती है, मतलब गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन होने का नहीं होता इनको। तो चलिए खाना तो इन लोगों को सबको मैंने डाल दिया, खाना वगैरह सबको फिलअप हो चुका है, खाली पानी ये लोग को मैं दोनों को करके फिर वो साइड में भी मैंने मुर्गियाँ लोग को डाल दिया, बतख लोग को भी हो गया फीडिंग वगैरह, वो साइड में भी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके बाद अब मेरे को खाली डालना है तो हमारे पेरेंट बतख लोग को। तो चलिए अभी ये भी फटाफट निपटाता हूँ और फिर आप लोग से बाद में मिलता हूँ। तो काई आज बहुत थक गया, अभी फ़िलहाल मैंने स्टॉक लेकर आ चुका हूँ जो आने वाला था, तो चलिए आपको उसकी वीडियो शेयर कर देता हूँ, तो इंशाल्लाह सेलिंग वीडियो भी एक बनाऊँगा बाद में मैं। तो गाइस अभी मैंने सिल्की लोग के लिए तो केज ढूंढ लिया हूँ, ये पॉलिश कैप लोग के लिए देखने का है। एक्चुअली केज तो पड़े बहुत सारे, बट एक केज ये है, अभी इसको वॉश करना पड़ेगा मेरे को। वॉश करने के बाद में एक केज को फिर मैं रखता हूँ उधर, ये नहीं तो बाजू में भी केज पड़ा है जहाँ हमारे बदक वगैरह रहते हैं, और बदक वगैरह लोग को भी मैंने फ़िलहाल बंद कर दिया हूँ। और हर लोग को खाना पानी भी टोटली हो गया है, खाली बदक लोग को खाना डालने का है। अभी जा रहा हूँ मैं ये वाला केज क्लीन करने के लिए, तो अभी लगाता हूँ प्रेशर मशीन और ये वाला केज क्लियर करके लेता हूँ, क्लीन करके लेता हूँ। बाकी यहाँ पूरा फीडिंग हो गया है,
सिर्फ ब्रूडिंग रूम में फीडिंग हो चुकी है, वाटरिंग बाकी है, के लिए पानी है भरेला। मैं सोचा पहले पानी खत्म हो जाने दो, फिर उसके बाद पानी फिलअप करता हूँ। तो अब खाली खिलाना है हमारे बदक लोग को फीडिंग, बाकी बस पूरा काम खत्म हो चुका है। ये देखो दोनों मीटिंग बंद करने के टाइम मीटिंग करने लग गए, तो इसको बंद ही नहीं किया मैंने। थोड़ी देर में जब मीटिंग हो जाएंगी तो फिर बंद करेंगे हम लोग। देखिए हम लोग पानी भी फिलअप हो चुके हैं। आज मेरे को मिली में एक भी अंडे नहीं मिले, सुबह से एक भी अंडा मिली फ्लावर का मिला नहीं। शायद अंडे बहुत दे दिए होंगे, तो थोड़ा भी रेस्ट एंड पीस कर, मतलब रेस्ट करेंगे, रेस्ट एंड पीस बोल रहा हूँ, थोड़ा रेस्ट करेंगे। यहाँ पर ही बटेर लोग की फीडिंग वगैरह प्रॉपर हो चुकी है, तो अभी फटाफट जाता हूँ मैं, केश क्लीन करता हूँ क्योंकि सूरज ढल रहा है, अंधेरा होने से पहले मेरे को क्लीन अप करना है। इस अभी फिलहाल मैंने लोगों को रख दिया हूँ फीडिंग वगैरह कराने के लिए, केज वगैरह मैं रख दिया हूँ, पॉलिश कैप और सिल्की। तो गाइस अभी मैंने फिलहाल लोगों को पानी में वही सुबह का जो मैं देता हूँ विटामिन सी और ग्लूकोज दिया हूँ, कि लोगों थोड़ा जो आए हैं सफ़र से तो उसमें थोड़ा राहत मिले लोगों, मतलब रेस्ट मिले। तो कल लोग हम देंगे वापस सादा पानी और कोशिश करेंगे मल्टी विटामिन देने की, उसके पास तो माशाल्लाह चले जाएंगे। हाँ इनको हम लोग अभी कल के दिन, अभी तो है नहीं मेरे पास, मैं कल इंशाल्लाह जाके पहले लोगों को वैक्सीनेशन कर दूंगा। मैं लासोटा के लिए सफ़र से आए, मैं लासोटा करता ही हूँ, हर जानवर को, कोई भी जानवर मेरे स्टॉक में ही होता है तो लासोटा मैं कर देता हूँ। अच्छी मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी रहेगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दे, कि मेरा जो भी व्लॉग अपलोड होगा तो सबसे पहले आपको दिख जाएगा। आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, टिल देन थैंक यू, बाय गाइस।